Gerard speaking. Of Zalblakia. कान खोल कर सुन लो, अगर हमारी रेफर स्कीम की कमर्शियल 2 दिन के अंदर अंदर तमाम चैनल्स पर ऑन एयर न हुई तो तुम्हारी लाइफ का स्विच ऑफ कर दूंगा। क्या हुआ सर, खैरियत तो है? अफजल ब्लैकिया हमें धमकी दे रहा है, उसकी कमर्शियल का क्या हुआ? सर कोई भी फेमस मॉडल इस कमर्शियल को सूट नहीं करती और नई मॉडल मिल नहीं रही। आज एक लड़के ने नई मॉडल को लेके आना था। सर ये है रजिया। अच्छा अच्छा आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू सर। पहले कोई कमर्शियल की है? नो सर, पर मुझे शौक है, आप मेरी हेल्प कर देना प्लीज। क्यों नहीं क्यों नहीं, आप बस यूं समझिए कि आप मॉडल बन गई। रियली? यस, सर ने आपको सिलेक्ट कर लिया। थैंक यू सर। थैंक यू। यू आर वेलकम। बॉबी, रजिया का एग्रीमेंट तैयार करो और ड्रेसेस और मेकअप वाले को भी फोन करो, हम आज शाम शूट करेंगे और कल इसकी एडिटिंग हो जाएगी और परसों तुम्हारी कमर्शियल तमाम चैनल्स पर ऑन एयर होगी। मैं एक गरीब लड़की थी, मैंने 5 रुपए का एबी रेफर स्कीम का टिकट खरीदा और मेरा पहला इनाम 5 करोड़ रुपए का निकला। आप भी टिकट खरीदें और इनाम हासिल करें। अबे तेरा मुंह क्यों लीक कर रहा है? अरे तूने कुछ सुना है क्या? कुछ नहीं। अरे कुछ सोच, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच। ये खाक सोचेगा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, मैं सोचूंगा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। मैं क्या चर्च का बिजनेस करेगा क्या, या फिर नस्वार की फैक्ट्री लगाने का प्लान है? अरे अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो। हाँ हाँ इसकी सुनो, इससे अच्छी बकवास हम सब में से कोई नहीं करता, चलो शुरू हो जाओ। सुनो, बैंक डकैती का प्लान डिसमिस। व्हाट? और मैंने तुम सबके लिए 5 करोड़ हासिल करने का नया फार्मूला ढूंढ लिया है। 5 करोड़? अरे ऐसा क्या रे? यस, एबी रेफर का फर्स्ट प्राइज जीतने वाली उस लड़की को अगवा कर लेंगे। अगवा? वो क्यों? इसलिए कि उसको किडनैप करके 5 करोड़ हासिल कर सकेंगे। आर यू एग्री गाइस? यार अब मुझे और कमर्शियल मिलेंगे ना? इंशाल्लाह यार, वेरी लकी, तमाम चैनल्स पर तुम्हारी कमर्शियल ऑन एयर है और पूरे मुल्क में तुम्हारे बिलबोर्ड लगे हुए हैं। इस वक्त कौन आ गया? मैं जाकर देखता हूँ। कौन है आप? मौत के कई नाम हैं इस मुल्क में, दहशतगर्द, टारगेट किलर्स, डकैत, भट्टाखोर। ओ मड़ा, क्यों बेचारे को परेशान करता है? इसको सीधा सीधा बोलो कि हम किडनैपर हैं। किडनैपर? वाओ ब्यूटीफुल, बस मुकद्दर में नहीं खुद भी खूबसूरत है। बकवास बंद करो, शट अप। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आरफा,
अम्मी अब्बू ये देखिए कमाल हो गया। क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश हो? रजिया का एबी स्कीम से 5 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। 5 करोड़? सच? हाँ हाँ, ये देखो 5 करोड़ का इनाम निकला है रजिया का। 5 करोड़? ये देखो बॉस की तस्वीर में छपी है। 5 करोड़? मगर उसने हमें बताया क्यों नहीं? हा? वो जरूर हमें सरप्राइज देना चाह रही होगी। देखा, तुम सब लोग उसे मना करते थे कि रजिया को मुख्तार के साथ मत भेजो, लेकिन वो भी अपनी जिद की बहुत पक्की थी। आखिर उसने अपनी जिद मनवा ही ली, क्योंकि उसने मॉडल बनना था। देखा, शौक के रास्ते पर अल्लाह ताला ने हम सब की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। ऐसा करो बेटा, तुम रजिया से मेरी बात करवाओ जल्दी से। या अल्लाह, तेरा शुक्र है अल्लाह पाक का। ये ले। हेलो हेलो, रजिया? रजिया नहीं, उसकी बुरी घड़ी बोल रही हूँ। कौन? अरे मेरी बेटी से बात करवाओ। बेटी से बात करना चाहते हो क्या? चलो हम तुम्हारी बात तुम्हारी बेटी से करवा ही दें। ये लें, मैं बाबा से बात करूँ क्या? ये लोग अबू जी, ये लोग मुख्तार को मारकर और मुझे किडनैप करके ले आए हैं। क्या? ध्यान से सुन ले बुढ़े, हमें वो 5 करोड़ रुपया चाहिए जो कि इसका इनाम निकला है। हमारे पास 5 करोड़ रुपए नहीं है। वो ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। 2 दिन का टाइम देता हूं, अगर 5 करोड़ रुपए ना दिया तो रजिया अलग अलग पार्ट्स में मिलेगा। और सुन, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो रजिया की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बात सुनो, क्या हुआ? कुछ गुंडों ने मुख्तार को कत्ल करके रजिया को अगवा कर लिया है। नहीं। और वो कहते हैं कि अगर 5 करोड़ रुपए ना दिए तो रजिया को मार देंगे। या अल्लाह, मेरी बेटी पे करम करना, उसकी हिफाजत करना।
हमारे पांव से चेहरे तक आते आते अगर निकाह को नशा नहीं हुआ तो शराब हाजिर है जाने मन। जो नशा शबाब में है वो शराब में नहीं। तो क्या आज नहीं पिएंगे? पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे, जरूर पिएंगे। तुमने वो शेर नहीं सुना? नशा बढ़ता है शराबे अगर शराबों में मिले। ऐसे भी हराम से इनकार मुश्किल से ही करते हैं आप जैसे बड़े लोग। थैंक यू। सुना है आपने एबी रेफर स्कीम से लोगों का बड़ा पैसा लूटा है? हाँ, कमर्शियल चलने से पहले हमारी स्कीम फ्लॉप थी, मगर अब 50 करोड़ की प्रॉफिट में है। तो क्या ये स्कीम वाकई में जेन्युइन है? हम जैसे सियासी लोग बिजनेस नहीं जेन्युइन तरीके से सिर्फ गुनाह करते हैं। अरे आप तो सेक्सी हुए जाते हैं, आइए बेडरूम में चले। अरे नहीं जाने मन, सेक्स ब्लड की गर्मी का मोहताज है, पेट की नरमी का नहीं। मैं तेरी या मैं तेरी, मैं तेरी।
छोटी नजर तेरी ले या कैंडी कर ले प्यार मैं तेरी या मैं तेरी वे ते प्यार दी कुमड़ तेरी वे मैं तेरी या मैं तेरी वे ते प्यार दी कुमड़ तेरी वे मैं तेरी या मैं तेरी वे ते प्यार दी कुमड़ तेरी वे मैं तेरी या मैं तेरी वे ते प्यार दी कुमड़ तेरी वे ओ हेलो जानेमन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं बैड मॉर्निंग क्या मतलब रात लिविंग रूम में लगे हुए कैमरों में आपके हमारे साथ गुजारे हुए लम्हात महफूज हो चुके हैं अगर किसी ने देख लिए तो क्या क्या कह रही हो वो फौरन डिलीट कर दो अरे ऐसे कैसे डिलीट कर दूं? उसकी कीमत देना होगी आपको कीमत यस 2 करोड़ तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो ब्लैकमेल नहीं डील करना चाहती हूँ आप अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें 2 करोड़ देकर हमारा मुंह बंद कर दीजिए ना अगर मैं ना दूं तो तो फिर वो फिल्म नेट पर पूरी दुनिया देखेगी हम तो पहले ही रुसवा हैं मगर आपकी तो बहुत इज्जत है ना माशरे में आप नंगे हो जाएंगे वो मुहावरा सुना है ना आपने हम तो डूबे हैं सनम तुम कभी ले डूबेंगे सर अफजल मुराकिया साहब को कौन नहीं जानता ठीक है क्या नाम बताया आपने हसीना हसीना स्पीकिंग इंस्पेक्टर कल्लू इनकाउंटर का मास्टर भी बोलते हैं लोग मुझे बुराई को कौन नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब हमें मालूम है आप ये बताइए आपने फोन करने की जहमत कैसे की सिर्फ ये बताने के लिए कि तू खुदकुशी कर ले या फिर ब्लैकी के साथ तूने जो प्रिंट बनाया है वो मुझे पहुंचा दे भला आप जैसे वो इनकार करने की किसकी जरूरत हो सकती है आप आज रात आ जाइएगा हम वो फोटेज ही आपके हवाले कर देंगे मगर आइएगा अकेले ओके हम वेट करेंगे शामदीद कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हसीना वो वीडियो मिल जाएगी अभी तो हमने आपको रिसीव भी नहीं किया कम इन तशरीफ रखिए बैठिए बैठिए ना हाँ
हमारी हुस्न कदे में आने वाले अक्सर कहते हैं कि उनको हमारे हाथ का दूसरा पैग कभी नसीब नहीं हुआ। वो हमारे हाथ के पहले ही जाम से आउट हो जाते हैं। तुम ठीक करती हो हसीना, हम तोड़ कर पीने के आदि नहीं। हम तो पूरी बोतल पी जाए तो हमें नशा नहीं होता। हमें अब भी याद है, हमें याद है कि हम यहाँ वीडियो क्लिप लेने आए थे। गाली वीडियो? वो वीडियो क्लिप्स बाद में, पहले पूरी पिक्चर के मजे तो ले ले। मजे ले।
बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, वेल डन इंस्पेक्टर कल्लू, वेल डन। मुझे पता था कि हसीना जैसी आग को तुम ही ठंडा कर सकते हो। ये लो जरा चेक करो। ओके। देख लो तुम्हारे इस गोले को भी उस बेगम ने मात दे दी। हरामजादे, तू भी फिसल गया। I am sorry, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं उस हरामजादे का जीना दोबर कर दूंगा। लगता है आपको पिक्चर पसंद नहीं आई। तो ये हरकत महंगी पड़ेगी। हमें छोड़िए और उस वक्त के बारे में सोचिए जब बलैकिया और कानून के मुहाफिज कल्लू की वीडियो मंजरे आम पर आ गई तो क्या तमाशा होगा। क्या क्या चाहती हो? 2 करोड़ ब्लैकिया के गुनाह छुपाने का और 1 करोड़ आपकी करतूत पर पर्दा डालने का। आखिर आपने भी जाली इनकाउंटर में बहुत पाल बनाया होगा ना? सर जी, वक्ती तौर पर हमें उसके अकाउंट में 3 करोड़ जमा करवाना होगा, उसके बाद 3 से 30 गुना वसूल करूंगा। दफा हो जाओ। शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत करें, ये तो मेरा फर्ज था। आइए ना। नहीं नहीं, मैं आऊंगा इंशाल्लाह, जरूर आऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो मैं अपने कुछ बंदों को भेजूंगा, और हाँ, उन्हें वो 5 करोड़ रुपया जरूर दे देना। तो
तुम कैसे समझ रही हो? मगर तुम मुझे नहीं समझ रही। मेरा नाम अमरीशा है। अमरीशा शहर का सबसे बड़ा गुंडा? तारीफ का शुक्रिया। ओहो, मैं पूछता हूँ तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तकलीफ थी तुम्हें? अपने फ्यूचर के लिए मुझे मॉडल बनने का शौक था। मगर तू जानती है रजिया कि तेरा ये झूठ हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। सॉरी भैया, आई एम वेरी सॉरी। जिन्होंने मुख्तार को मारा है वो तुम्हें भी मार सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर में बगैर इजाजत दाखिल कैसे हुए? हर सवाल का जवाब 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ जी, वही जो नाम की रकम है हमें दे दो, हम चले जाएंगे पान खा के। हमारे पास कोई 5 करोड़ नहीं है, और तुम हाफिज हो ये डाकू? अरे जैसा मर्जी समझे बुढ़िया। बताओ गजर है 5 करोड़। मैंने तो ये समझाया था कि बैंक से पैसे निकलवा कर अपने घर रख लेना, लेकिन तुझे असर नहीं हुआ। हम जानते थे कि तू जाएगी तो इनाम के 5 करोड़ रुपए लाएगी ना, इसीलिए तो तुझे घर जाने दिया। तेरा घर भी तो देखना था और वो हमारे दोस्त ने देख लिया। तूने क्या किया? तूने इसको मार दिया? अब हमें कौन बताएगा कि 5 करोड़ किधर हैं? ओ यार, अगर 5 करोड़ रुपया इसे नहीं मिला
तो ये मार भी जाए तो हमें क्या? 5 करोड़ रुपया तो मरवा दिया ना तूने, अब इधर कड़ा क्या पिकनिक मनाते हैं? चलो इधर से। कौन है तू? अरे मेरे बाप, मुझे बता कौन है तू? अहमद, तुम? हाँ अहमद, इस धरती के हर गुंडे का दुश्मन। मुझे मत मारो। याद है मेरे खानदान के 22 लोगों को मारा था तुमने? वो हमसे कातियार में मरवाए थे। कातियार भी तुम्हारे बाद शाम तक तुम्हारे पीछे पहुंच जाएगा। नहीं अहमद नहीं, मेरे पास काफी दौलत है, वो तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। तुम 10 लोगों ने मेरे खानदान के 22 लोगों का खून करने के बाद कातियार के कहने पर 80 खून किए हैं। 8 मैंने मार दिए हैं, तुम और कातियार बाकी हो। तुम चंद पल और कातियार चंद घंटों बाद जहन्नुम में होगा। कमर्शियल में बोले हुए एक झूठ ने मुझे फंसा दिया, मेरे माँ बाप मार डाले। मैंने सिर्फ किडनैपर्स को गुंडे समझा। जिसकी गाड़ी में मैंने पना ली वो आमरी शाह भी गुंडा था, और इंस्पेक्टर कल्लू के साथ आने वाले सब पुलिस के लोग गुंडे थे। मैं उन गुंडों के जाल में फंस गई। आइए। हसीना, हमने कभी अपने साये पर भी भरोसा नहीं किया, मगर तुम्हारे हुस्न का जादू है जो हमें तुम्हारी जुल्फों की जंजीरों में जकड़ कर इस नामालूम मकाम पर ले आया। और एक और ताजा खबर, 80 खून का एतराफ कर चुके हैं 13 टारगेट किलर, और उनकी रूहें हमसे अपनी बेगुनाह मौत का हिसाब मांग रही हैं। चीटर, धोखेबाज। इसे साथ ले जाओ, ये हमारी अमानत है। इसमें खयानत हुई तो अंजाम अच्छी तरह जानती हूं। मैं कल आऊंगा। अभी कुछ गुंडों को अंजाम तक पहुंचाना है। 3 करोड़ ले गई है वो हमसे, अब उसकी लाश देखेंगे तो कलेजा ठंडा होगा मेरा। डोंट वरी अफसर साहब, डोंट वरी। मैंने अपने आदमियों को हसीना की मौत का परवाना दे दिया है। हाँ, आज रात उसकी आखिरी रात होगी। तो फिर आज की रात को हम रंगीन बना देंगे। यानी के
ज्यादा कमजोर थी कभी मैं जवानी के पर बांध कर अभी उड़ना ही सीखा था कि कुछ बगैर तो ने मेरे पर काट दिए और मुझे बेआबरू कर दिया। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई
तो पुलिस वालों ने फिर मुझे रिश्वत में जबरदस्ती लूट लिया। अब मेरी कोई इज्जत नहीं और मुझे किसी का खौफ भी नहीं। उंगलियों पर नचवाती हूँ इन हवस परस्त मर्दों को। कल तक मेरा ये वजूद मेरी कमजोरी थी, मगर आज मेरा ये वजूद मेरी ताकत है। और वो अहमद, वो भी मेरी ताकत है। एक एक करके उसकी फैमिली के 22 अफराद को मरवा दिया था कातियार ने, सिर्फ इसलिए कि वो मीडिया को कुछ सबूत देना चाहते थे। अहमद ने अपना और इंसानियत का बदला लेने के लिए कुछ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कुछ हमारी। वैसे अहमद बासूर लड़का है, वो आम मर्दों की तरह औरत के जिस्म का भूखा नहीं। तेरी कितनी छोटी सोच, अब तुझे देता हूं इतनी लंबी खरोश। फिकर ना करे, मेरे पालतू हसीना का मर्डर करके थाने में पहुंच जाएंगे। है? ए, इन सब को हवालात में कैसे डाला? मैंने एएसपी अहमद 4 साल की सर्विस और 400 से ज्यादा एनकाउंटर करने का क्रेडिट है मेरे पास। गुंडों और बदमाशों से सख्त नफरत है। कातिलों को सफाए हस्ती से मिटाने का बहुत जुनून है।
कुछ दिन पहले इन चारों का मर्डर हुआ है। पुलिस ने अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा कि नामालूम अफराद ने मारा है इनको, और इनकी लाशें मुझे हॉस्पिटल के मुर्दाखाने से मिली है, और इनके कातिलों को ढूंढने के लिए मुझे इस थाने में तैनात किया गया है। सर, मगर ये कौन है और इनको किसने कत्ल किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं कातिल को इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हाथ डालता हूं। सर, इनकी बेटी रजिया ने सुसाइड की थी, मगर वो जिंदा है और मेरे पास है। और रजिया के तमाम मुजरिम यहां पर मौजूद हैं, सिवाय एक आमरी शाह के। आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? उतार दो ये मुकद्दस वर्दी अपने नापाक वजूद से। मैंने तुम सब पर FIR दर्ज करवा दी है, जुर्म बहुत संगीन है। अदालत से तुम्हें सजाए मौत ना भी हुई तब भी तुम सबको मरना पड़ेगा, यानी इनकाउंटर करने वाले आज पहली बार खुद इनकाउंटर में मरेंगे। को दफनाने का बंदोबस्त करो। हेलो अमरी शाह, हम सब हवालात में हैं। अब रजिया की मौत ही हमारी जिंदगी है। अब किसी तरह से रजिया को मार डालो, मार डालो। I'm not afraid to die.
अभी हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। ये लोग जमानतनामा, जमानत हो चुकी है इनकी। और तुम्हें जमानतनामे दिखाना जरूरी क्यों नहीं, ये तुमको डीएसपी बताएगा। वो इसलिए एएसपी साहब, यू आर सस्पेंड। गिरफ्तार कर लो इसे। रिपोर्ट तैयार करो कि एएसपी ने एक मासूम लड़की का रेप किया और थाने में आने वाले जफरी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर कल्लू ने एएसपी अहमद को अरेस्ट कर लिया। मगर एएसपी की फायरिंग से हमारे 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद तो कोई नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो अब हो गया। बनने चला था वो अभी रजिया का। फंस गया हवालात के फंदे में और रजिया फंस गई गुंडों में। एएसपी अहमद ने 2 लड़कियों का रेप कर दिया और जब उनको इंस्पेक्टर कल्लू गिरफ्तार करने गया तो अहमद ने पुलिस पर फायरिंग करके 5 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया और एक जबरदस्त मुकाबले के बाद इंस्पेक्टर कल्लू ने अहमद को गिरफ्तार करके उस पर रेप और 5 एहलकारों के कत्ल की एफआईआर दर्ज कर ली। जब भी आता है टाइम पे आता है। हम लोगों को लूटते हैं, तुमने हमें लूट लिया। ब्लैकी वाला 2 करोड़ तो हम लेंगे ही, मगर अपने वाला 1 करोड़ भी वसूल करेंगे तुमसे। तू अपना मसला छोड़ यारा, तू इस मासूमा से पूछ कि इसका 5 करोड़ किधर है। डोंट वरी चंगेजा, आज ये 5 करोड़ भी देगी और अपनी जान भी। करेक्ट डार्लिंग, मरने का तो तुम्हें कुछ देर में है, मगर मरने से पहले 5 करोड़ का तो बताओ कि वो किधर है। क्या हाँ, मरने के बाद तो पैसा तेरे काम आने का नहीं। सरी ठीक कहती है, इतना पैसा कब्र में लेकर जाएगी क्या? लाओ हमें दे दो। हाँ नहीं, मेरे पास नहीं है। झूठ ना बोल, ना बोल झूठ। इसी झूठ की वजह से तू अपना सारा खानदान मरवा बैठी है। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तू मरेगी, तू जरूर मरेगी। डोंट फाइट डियर, डोंट फाइट। शराब से भरी हुई इन 2 बोतलों को पिए बगैर तोड़ देना कम दर्फों का शिवा है। दोबारा अगर हाथ उठाया तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। मारेगा तू? ये दोस्त है हमारा। मरा तेरा भी वही अशर करेंगे जो इसके आशिक एएसपी अहमद का ताने में किया है। चल खुद भी अश कर और हमें भी करने दे। ए!
मैं तुम्हारे कहने पर कातिल तो बन सकता हूँ, मगर बेगैर नहीं बनूंगा। जागने के बाद यहाँ जिंदगी खत्म होती है। भाग जाओ, भाग जाओ। भाग लुटिया, भाग। चलो। मजलूम हुसैन की हिफाजत करना सेठ निसार का मंशूर भी है, वादा भी है और शौक भी है। गार्ड्स, इस लड़की को ले चलो। नहीं, नहीं। तुम जैसी लड़की को हम हर रात मदद मांगने का मौका तलाश करते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसे सियासी गुंडे की मदद। शराब औरत बिस्तर पे हो और शोर मचाए तो हम नवाज देते हैं, नोटों की बारिश कर देते हैं, और अगर बाजार में शोर करे तो हम मार देते हैं। चुप करके गाड़ी में बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। सर, कोई एएसपी साहब आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। ओके सर।
हम जेल से कैसे निकले? और ये वर्दी किसने किया? ये सब कैसे हुआ? किस चीज की हैरत है मिस्टर खान? जिस मुल्क में मुजरिम कटहरों की बजाय कुर्सियों पर आ जाएं, वहां सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे सामने 5 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे ही चेले इंस्पेक्टर कल्लू ने किया। जिमी, बाबू, ब्लैकिया और चंगेजा, तुम सब के सब शामिल हो इसमें, तुम सब के सब। अच्छा, तो वर्दी पहनकर मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? यह मत भूलो कि मैं तुमसे सीनियर हूं। किस चीज का सीनियर? और अब तुम भी ना भूलना कि तुम एक मुजरिम हो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ? यस सर, प्रूफ है मेरे पास। मोहतरमा, इसको रेप के झूठे इल्जाम में बुनियाद बनाया था ना आपने, अब ये वादा माफ गवाह बन गई है। अब मैं जा रहा हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम वादा माफ गवाह बनकर अपने साथी इंस्पेक्टर कल्लू, ब्लैकिया और उन तमाम लोगों को तख्ताएदार तक पहुंचाने में मेरा साथ दो, वरना तुम कुछ नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो फिर बताओ वो सब कहां मिलेंगे? बिस्तर पे सोने वाली मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाएगी, ये तो हमने कभी सोचा भी ना था। मैं झूठ की जिंदगी नहीं जीना चाहती। तो फिर सच्चाई की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। किसने उकसाया था तुझे ब्लैकिया से बगावत पर? बोल, किसने बोला था तुझे? बोलती क्यों नहीं? बोल! वो क्या गूंगा है तुम? बोल नहीं सकती तू? हसीना, अमरीशा ने मिलवाया था। वो जिंदा है? किधर है वो? वो बेदिया रोड पर सिग्नल से उल्टे हाथ फार्म हाउस में। फार्म हाउस में?
फेंक दो अपने अपने खिलौने, वरना तुम जानते हो कि मेरे एक इशारे से तुम सबका क्या हश्र होगा। शाबाश भले किया, शाबाश। तुम? हाँ, हम जिंदा हैं। अगर तुम हमें मारने आए हो तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। नहीं, मैं इन छोटे बड़े सियासी चोरों को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। अरे भाई कल्लू, तू तो अपनी बिरादरी का है। यस सर। कल्लू कल्लन कालिया, इसीलिए लोग तुझे देते हैं गालियां, समझा? ले जाओ इन्हें। क्या करते? दबाओ जाओ। लॉस्ट। क्या बोलता है उस लोटे को सपोर्ट करूं जिसने पिछले इलेक्शन में हमारी मुखालिफ पार्टी का साथ दिया था? मगर अब आने वाले इलेक्शन में ब्लैकी आपका साथ देगा। अवश्य अवश्य। और उसकी पूरी टीम हमेशा आपकी गुलामी करेगी। सर आप प्लीज तशरीफ। अवश्य अवश्य प्लीज। ये किसकी फाइल है? ये जमानतनामे हैं। जमानतनामे? अहमद मियां, वो जो ब्लैकिया और उनके साथियों को तुम अरेस्ट कर लाए थे, ये उनके जमानतनामे हैं। सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं और कई मर्डर भी कर चुके हैं। अवश्य अवश्य मियां, मर्डर तो तुमने भी किए थे, पूरे 5 पुलिस अहलकारों के, और एक लड़की का रेप भी किया था तुमने, याद है ना? लेकिन उसके बावजूद हमने तुम्हें बाइज्जत बरी करवाया था और तुम्हारे तन पे ये वर्दी सजाई और ये स्टार लगवाए और सलूट लगवाए। हाँ। मगर सर वो सब के सब इल्जाम झूठे थे। मियां, हमारे नजदीक झूठ और सच में तफरीक ये है कि जो हम बोले वो सच है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, और जो हमारे खिलाफ बोले वो झूठ है, खा वो सच ही क्यों ना हो। इंस्पेक्टर, ब्लैकी और उसके सब साथियों को छोड़ दो। तुमने कई लड़कियों से गैंग रेप किए, इस वर्दी वाले के कहने पे कई डकैतियां की और कई बेगुनाहों को मर्डर किया। एएसपी अहमद को फंसाने के लिए थाने में डीएसपी के सामने 5 पुलिस वालों को कत्ल किया और फिर वादा मुआफ, वो बनने वाली पिंकी का खून भी किया। इसमें कोई शक नहीं, अगर हमारे जुर्मों को जबान मिल जाए तो हशर बपा हो जाए। हशर तो अब हम बपा करेंगे। एएसपी अहमद को ऐसी मौत मारेगा कि उसका लाश नहीं बचाना जाएगा। एक एएसपी ही नहीं, उस यार मार आमरी शाह का खून भी हमारी सिद्ध बन चुका है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मां कसम ऐसा पान खिलाएंगे कि वो इस दुनिया से ही चला जाएगा। पुलिस कूल डाउन, तुम सबको रिहाई दिलाने का मतलब ये नहीं कि तुम सब अपने इंतकाम की आग में जलते रहो। ब्लैकी से तो हमारे सियासी मकासिद हैं,
जरा इंतजार करो, तुमसे तो हम अपने एहसानों का बदला जरूर लेंगे। सेक्रेटरी, हमारे कल के दुश्मन और आज के इन दोस्तों के मिलने की खुशी में जश्न का एहतमाम करो। Let's go.
गई मुंडों में, हृदिया फंस गई मुंडों में, हृदिया फंस गई मुंडों में। यहाँ मीटिंग के दौरान तुमने अंदर आने की जुर्रत कैसे की? शेख साहब, ये मीटिंग नहीं, मुजरा है। अब अगर आगे लगकर चलोगे तो कुछ इज्जत रह जाएगी, वरना ऐशा वशे क्या कर लोगे तुम? शेख साहब, इस मुल्क के वजीरे आजम का भाई अगर इनकाउंटर हो सकता है तो फिर आप तो छोटे से मामूली से सियासतदान हैं। मियां, तुम अपनी औकात से बड़ी बात कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि हमने तुम्हें रेप और 5 आदमियों के मर्डर में रिहाई दिलाई और आज तुम हमें फहाशी के छोटे से केस में गिरफ्तार करके कब तक थाने में बंद रख सकते हो? शेख साहब, मैं छोटे चोर को बड़ा चोर बनने का मौका जरूर देता हूँ। इस पर जो FIR हुई है वो अभी तक खारिज नहीं हुई। अलबत्ता मैं इसमें आपको जरूर शामिल करूंगा मशवरे में, और मत भूलो कि मशवरे में मुल्क के वजीर आजम को भी तख्तादार पर लटकाया जा चुका है। तुम्हारे पास हमारे खिलाफ जो वादा माफ गवा दी वो तो मर गई, अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने कई लड़कियों से गैंग रेप किए, इस वर्दी वाले के कहने पे कई डकैतियां की और कई बेगुनाहों को मर्डर किया। ASP अहमद को फंसाने के लिए थाने में DSP के सामने 5 पुलिस वालों को कत्ल किया। अब हशर ही नहीं नशर भी होगा आपका। इरशाद अली। यस सर। ले चलो इन सबको। हरामजादी, तुमने रिकॉर्डिंग करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल रहे बड़ा हलाल ज्यादा। ये जिंदगी मुझे किस मकाम पर ले आई है? अपने माँ बाप, भाई और भाभी के बदले की आग में मेरी शराफत, मेरी हया, सब कुछ चलकर राख हो गया है। यही तो दुख है रजिया, कि मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को जहन्नुम की आग में क्यों झोंक दिया? क्यों झोंक दिया? सब रास्ते तारीक हो गए थे मेरे लिए। मेरा साथ देने वाला तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था, एक ही वजूद ही रह गया था जिसे हर भेड़िया नाचने पर तुला हुआ था। मैं शेख निसार की कमजोरी बनकर उसकी ताकत को इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती थी। तुम्हारी कुर्बानी की कसम, तुम्हारे सारे दुश्मन अब कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। अहमद, अगर तुम्हारे अंधे कानून ने उन्हें रिहा कर भी दिया तो वो मेरे इंतकाम से नहीं बच सकेंगे। ओ नहीं नहीं माय डियर, नहीं। अब तुम कानून को हाथ में लेकर इन हाथों पर जुर्म की स्याही नहीं मलोगी, क्योंकि मैं इन हाथों पर अपने नाम की मेहंदी लगाने की कसम खा चुका हूं। सच? मुझ पर
मियां साहब, हम बर्बाद हो गए। मेरे ही मातहत ने मेरे गिरेबान को पकड़ लिया। हम जान चुके, सिर्फ ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मदद शेख निसार और ब्लैकिया, वो दोनों मुनाफिक हैं। सियासत की अलिफ बे हमसे सीखी और फिर हमारे हरीफों से जा मिले। वो अपने बच्चों को भी आपका गुलाम बना देंगे, बस एक बार उनको छुड़ा दें। अगर वो हमारी गुलामी का पटा अपने गले में डाल ले तो समझ लो कि FIR खारिज हो चुकी। नहीं, ASP अहमद FIR खारिज नहीं होने देगा। उसके पास जो प्रूफ हैं, वो खत्म करना होंगे। वो क्या हैं? वो हसीना, आमरीशा और रजिया। हम उन तीनों से मिलना चाहते हैं। मैं ही आमरीशा हूं। हसीना कौन है? वेलकम वेलकम। अरे, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का कायद नवाब शाह हमारे गरीब खाने पर। अरे, हमें हुक्म किया होता, हम खुद आपके पास पहुंच जाते। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। वैसे भी प्यासा कुएं के पास आता है। प्यासा? हम चाहते हैं कि तुम ASP अहमद का साथ न दो, और जो केसेस इंस्पेक्टर कल्लू और ब्लैकिया पर बने हैं उसमें से खुद को अलग कर लो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? नहीं, किसी के पहले इनकार पर उसे मौत की सजा देना दानिशमंदी नहीं। इन्हें सोचने का मौका दो। जो सोचना था वो सोच लिया। अब वो तमाम कुत्ते तख्तादार पे होंगे। उन्होंने मेरे खानदान को मिटा दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मेरी जिंदगी का मिशन सिर्फ उनकी मौत है। अगर तुम कहो तो पूरे शहर को मौत बांटते हम। हम आए थे तुम्हारे दुश्मनों से डील करने, मगर तुम्हें देखने के बाद हम तुमसे भी डील कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर तुम सब चाहते हो कि हम तुम्हारे दुश्मनों का साथ ना दें, तो इस सहरंगेज हुस्न को हमारे बेडरूम की जीनत बना दो, वरना हम तुम्हारे दुश्मनों का साथ देंगे। और जिनका साथ हम दें उन्हें कुदरत का कानून तो जकड़ सकता है, मगर इस मुल्क का कानून नहीं पकड़ सकता। यस, ASP अहमद स्पीकिंग। अपनी 30 साल सियासी जिंदगी में नवाब शाह पहली बार किसी छोटे रैंक के आदमी को फोन कर रहे हैं। झूठ मत बोले सर, इलेक्ट होने के बाद फिरौनियत की कुर्सी पर बैठे सब सियासी नुमाइंदे इलेक्शन के दिनों में हर छोटे आदमी से भिखारियों की तरह वोट की भीख मांगते हैं। आप मतलब की बात करें। सिर्फ अपने मतलब की बात नहीं करेंगे, तुम्हारी बेहतरी की बात भी करेंगे। तुम ब्लैकिया और उसके बाकी साथियों पर काटे जाने वाली FIR खारिज कर दो। सर जी, आपका महकूम होता तो शायद मैं आपकी बात मान लेता, मगर मैं कानून का गुलाम हूं, आपका नहीं। सोच लो परिंदे, इस मुल्क में सिपाही से लेकर IG तक की तैनाती हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, और तुम एक मामूली ASP हो सिर्फ। गौर से सुनिए सर, मसला ओहदे का नहीं, उस अहद का है जो वर्दी पहनने से पहले मैंने हलफ उठाकर किया। और ना मैं कोई सियासतदान हूं जो हलफ उठाकर मुकर जाऊं।
और ना ही मैं उन पुलिस वालों में से हूं जो सियासी दबाव में आकर अपने फर्ज का सर झुका देते हैं। मत भूल के तू क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। डर उस वक्त से जब तेरी वर्दी तेरे बदन का कफन बन जाएगी। फर्ज के रास्ते पर वर्दी कफन बन जाए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। आप डरो उस वक्त से जब ये कौम जाग जाएगी। बहुत ज्यादा भौंकने लगे हो। मेरी सच्चाई से आपको लगता है कि मैं भौंकता हूं तो ठीक है। हां मगर याद रखना मैं सिर्फ आपको भौंकता लगता हूं मगर आप लोग आए रोज जलसों में भौंकते रहते हैं। वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देगा। वो बहुत ताकतवर हैं। क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या चाहती हो तुम कि उनकी ताकत की वजह से मैं उन भेड़ियों को छोड़ दूं जिन्होंने कई सुहागनों के सुहाग छीन लिए, माओ के लाल छीन लिए, कमारियों के आंचल दागदार कर दिए और तुम्हारे खानदान को भी मिटा दिया उन्होंने। अपने खानदान का बदला मुझे बहुत महंगा पड़ा है। मैं क्या थी और आज क्या हूं? एक गुंडे से बचने के लिए दूसरे गुंडे का सहारा लेती हूँ, दूसरे गुंडे से बचने के लिए तीसरे गुंडे का सहारा लेती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तुम्हारी रजिया गुंडों में फंसी रहेगी? कब तक? तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूं। आओ मेरे साथ। रजिया ठीक कहती है। औरत तो वो है जिसको चादर और चार दीवारी में तहफुज है। हमारे वजूद तो औरत के तकद्दस पर दाग है। तो ये दाग मिटा क्यों नहीं देती? कौन कबूल करेगा मुझे और हमारे इस दागदार वजूद को? मैं? तुम? ठंडा पानी आज जितो लग गया।
का बादल बरसने से पहले तौबा कर ले आमरी, तौबा कर ले, नहीं तो आज तेरे कत्ल का नशा भी लेंगे और सब मिलकर हसीना के हुसन का मजा भी। हसीना कुत्ते खाएगी नहीं इससे पहले कि तेरी इस नाजुक चमड़ी को ये सब कुत्तों की तरह नोच लें, बता बता कहाँ है नजिया, कहाँ है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बता रजिया किधर है, बताओ रजिया किधर है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अच्छा तो नहीं बताओगी, खत्म कर दो इसे। अब तू गोली खा। अवश्य गुड बाय। अफसोस हुआ होगा तुमको हवालात में बंद अपने इन दुश्मनों को देखकर। हमें भी बहुत अफसोस हुआ है यह जानकर कि तुमने अमरीशा और हसीना का वैश्यानक कत्ल किया है। नहीं, नहीं, मौत तो इसका मुकद्दर बन ही चुकी है, मगर इसके मरने से पहले सिसकता हुआ देखना चाहते हैं हम। क्या बोला तुमने, क्या बोला, क्या बोला? हम जलसों में भौंकते हैं। हम भौंकते ही नहीं काटते भी हैं, और हमारे काटने का जख्म भरता नहीं। सूर बनकर रग रग में फैल जाता है। तुम्हारे जिंदा रहने के तीन ऑप्शन हैं। नंबर एक, अपने हाथों से लिखो कि तुमने इन सब पर
झूठी एफआईआर काटी है। नंबर दो, एतराफ करो कि आमरी शाह और हसीना का बेईमाना खून तुमने किया है। नंबर तीन, अपनी इस माशूक का रजिया को हमारे बेड की जीनत बना दो। नवाब शाह, तुम जैसे सियासी दलाल कुर्सी को पाने के लिए ऐसी दलाली कर सकते हैं, मगर मैं जिंदा रहने के लिए ऐसी दलाली नहीं कर सकता। दलाली ना भी करोगे तो भी मरोगे। तुम अपने मातहतों की गोलियों से छलनी हो जाओगे। और मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कि तुमने आमरी शाह हसीना को कत्ल करने के बाद फिर फरार होना चाहा और बहादुर पुलिस के नौजवानों की गोलियों का शिकार होकर मौका पे जाम पाक हो गया, और फिर तेरे मरने के बाद ये सब हमारे साथ जाएंगे और तेरी ये मशूका ना सिर्फ हमारे बेड की जीनत बनेगी बल्कि हमारे साथ इन सब की अय्याशी का सामान भी इसको बनना पड़ेगा। कुत्ते, बूम डालो इसे गोलियों से। मैं तुम सबको इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह साबित कर चुका हूं। आज से तुम आजाद हो। नवाब शाह के साथ जाओ और जाकर इसकी मौत का जश्न मनाओ। बाकी मैं जानू और मेरा काम। सर एएसपी अहमद ने फिर एक आमरी शाह नाम के बंदे को कत्ल कर दिया और उसके बाद हसीना नामी लड़की से गैंगरेप किया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ओह नो। यस, और फरार होने की कोशिश में पुलिस वालों की फायरिंग से हलाक हो गया। से पहले मिस्टर खान, आखिरी बार सच बोलो, रजिया की फैमिली का मर्डर किसने किया? रजिया की फैमिली का मर्डर भी हमने किया और पुलिस वालों का मर्डर भी हमने किया और हसीना और आमरी शाह का मर्डर भी हमने किया। शाबाश। शाबाश, माशरे के इन तमाम नसूरों को जड़ से उखाड़ फेंको। यस सर।
हम जैसे गुंडों से उलझकर भयानक मौत मरी है। मरने से पहले ओनली वन किस मी। मारना चाहती है हमें, ऐशावशे तेरी औकात ही क्या है, मेरे बिस्तर पे सोने वाली, खोए वाली, मिलाई वाली। तेरे बिस्तर पर अपने मजबूर बदन को बिछाते हुए मैंने कसम खाई थी कि जिस जिसने मेरे कपड़े उतारे उसको मैं इबरतनाक सजा दूंगी। चार मार दिए हैं मैंने, जिंदा तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया के चूच मारने से बाज को तो खराश भी नहीं आती, मगर बाज के आंख भरकर देखने से चिड़िया की सांसें जरूर उखड़ जाती हैं। अगर हिम्मत है तो मार मार हमें, आज हम तेरा जिस्म नोचेंगे हरामजादी। मजबूर रजिया फंसी थी गुंडों में, मगर आज आज गुंडे फंस गए रजिया में। जिस तरह रजिया की इज्जत का कत्ल हम अपने बिस्तर पर बार बार करते रहे हैं, उसी तरह रजिया का कत्ल अब आखिरी बार होगा।